Shabina ma'am. Today also we start our day with a prayer. हम भगवान को याद करके आज भी हमारे डे का स्टार्ट करेंगे, ओके? तो उसके लिए हमें करना है जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम शांति शांति शांति. Open your eyes. Now thank you prayer. Thank you God for the world so sweet. World so sweet. Thank you God for the food we eat. Food we eat. Thank you God for the birds that sing. Birds that sing. Thank you God for everything. Thank you God for everything. Now Z anthem. Okay, Z anthem के लिए हमारा right hand हमारे हाथ पर रखना होता है, straight खड़ा होना होता है. You are within me. You are infinite. You are unique. My potential inside. You are the wings beneath my flight. You define me. My potential inside. Today I pledge with all my might. I shall achieve you, my potential inside. Okay? अब prayer के बाद हम करेंगे exercise. Exercise करेंगे और concept time करेंगे. उसके लिए कौन आएंगे? उसके लिए आएंगे भक्ति मैम. Good morning kids. Say good morning. Yes, very good. So now it's time to do exercise and concept time. इसके पहले क्या किया? Prayer. किसने करवाई थी? शबीना मैम. ओके, अब हम करेंगे एक्सरसाइज. ओके, पुट योर हैंड्स अप, यस, ऑन योर हेड, शोल्डर डाउन. अगेन पुट योर हैंड्स अप, ऑन योर हेड, शोल्डर डाउन. वन मोर टाइम, हैंड्स अप, head, shoulder, and down. Okay. Put your hands like this. अपने hands को ऐसे face पे. Okay. और turn right, turn left with smile. Right, left. One more time. Right. Okay, relax. Now rub your hands. Rub fast. Put your hands on your eyes. Okay, relax. Okay, मजा आया? Okay, अब हम करेंगे concept time. तो concept time में क्या करेंगे पता है? Shapes, numbers, and how to take care of our pets. Okay, so firstly we have to do shapes. Concentrate here. What shape is this? Circle. Circle. Square. Square. Triangle. Triangle. Rectangle. Rectangle. Star. And star. Now numbers. One. One, two, two, three, three, four, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine. 1 0 10 1 0 10 1 1 11 1 1 11 1 2 12 1 2 12 1 3 13 1 3 13 1 4 14
वर्कशीट में हमें क्या करना है, लेटर ई, ट्रेस एंड राइट लेटर ई। ये क्या है, ई, ई फॉर एनवेलप, ई फॉर एल्बो, ई फॉर एग, ई फॉर इंजन, ई फॉर एलिफेंट। तो हमें ई, ई कैसे लिखते हैं हम, आपको पेंसिल को ऐसे होल्ड करना है और आपको फर्स्टली वन स्टैंडिंग लाइन करना है एंड थ्री स्लीपिंग लाइन। आपको रेड ब्लू और ब्लू इतने में लिखना है, ओके। फिर सेकंड वन भी ऐसे ट्रेस करना है, ये भी ऐसे ट्रेस करना है। हमको सेकंड लाइन भी ऐसे ही कंप्लीट करना है, ऐसे ट्रेस करके। थर्ड लाइन भी ऐसे कंप्लीट करना है, ओके। और यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना है, खुद ट्राई करना लिखने के लिए। रेड से ब्लू तक वन स्टैंडिंग लाइन एंड थ्री स्लीपिंग लाइन, ई, वन स्टैंडिंग लाइन एंड थ्री स्लीपिंग लाइन, ओके। नाउ वी हैव टू टर्न अवर पेज, एच ए, हाँ, पर आपको ये करना है घर पे, ठीक है। ट्रेस एंड राइट द लेटर, विच लेटर इज दिस, ए, ए फॉर एक्स। तो हमें ये ए को फर्स्ट ट्रेस करना है ऐसे, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इसको भी ऐसे ट्रेस करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, डॉट्स नहीं है, तो हमें अपने आप करना है। रेड से लेके ब्लू तक स्लैंटिंग लाइन, अनदर स्लैंटिंग लाइन, इन द मिडल स्लीपिंग लाइन, यहाँ पे भी नहीं है, हमें अपने आप करना है, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ओके। नाउ बी, लेटर बी, बी फॉर बी, तो बी को भी हमें यहाँ पहले ट्रेस करना है, स्टैंडिंग लाइन, कर्व्ड, अनदर कर्व्ड, और हमें यहाँ दो लाइन में अपने आप लिखना है, रेड से ब्लू तक स्टैंडिंग लाइन, कर्व, कर्व्ड, यहाँ पे भी स्टैंडिंग लाइन, कर्व्ड, कर्व्ड, बी। ये क्या है, लेटर सी, सी फॉर कोम्ब, तो कोम्ब क्या होगा, कर्व्ड, मेक द लेटर सी। ये भी डॉट्स को हमें ज्वाइन करके सी लिखना है, यहाँ पे रेड से ब्लू तक हमें अपने आप सी लिखना है, यहाँ पे भी, ओके। नाउ वी हैव टू टर्न अवर पेज, मैच द नंबर्स न्यूमरल्स टू द करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये नंबर्स है और यहाँ पे न्यूमरल्स दिया हुआ है, पिक्चर्स दिए हुए हैं, हमें करेक्ट नंबर से ये पिक्चर्स को, ये थिंग्स को मैच करना है, ओके।
ये कौन सा नंबर है? नंबर 4। तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि 4 कौन सा थिंग है। ये स्ट्रॉबेरी 4 है? नो। काउंट करो, 1, 2, 3। नो, ये 4 नहीं है। ये कस्टर्ड एप्पल 4 है? नो, ये 1 है। ये स्पैरो 4 है? हमें काउंट करना है, 1, 2, 3, 4। तो हमें ये 4 से ये 4 स्पैरो को मैच कर देना है। फिर हमें सेकंड वन लेना है, ये कौन सा नंबर है? नंबर 3। तो हमें देखना है यहाँ पे 3 कलर का ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये स्ट्रॉबेरी है, हमें काउंट करना है, 1, 2, 3। यस, ये स्ट्रॉबेरी 3 है, हमें 3 से मैच। फिर ये कौन सा नंबर है? नंबर 2। तो हमें देखना है ये दोनों में से 2 ऑब्जेक्ट कौन सा है, 2 फ्रूट्स कौन सा है। ये कस्टर्ड एप्पल 2 है? नो, ये 1 है। ये चेरी है? 2। हमें काउंट करना है, 1, 2। तो ये 2 से हमें 2 चेरी को मैच। फिर ये नंबर 1, ये कस्टर्ड एप्पल 1, एक ही बचा है ना, तो ये फ्रूट से ये 1 को मैच। ओके, अब आपको घर पे ये कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ PDF। हम आपको PDF भेजेंगे, PDF में से देख के आपको वर्कशीट कंप्लीट करना है। ओके, नाउ इट्स क्रिएटिव टाइम। क्रिएटिव टाइम में हम आज बनाएंगे फिश, हैंगिंग फिश। ओके, हैंगिंग फिश विद द हेल्प ऑफ पेपर प्लेट। तो उसके लिए हमें मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? एक पेपर प्लेट, पेंसिल, स्केच पेन, ग्लू, सीजर और एक रिबन और थ्रेड। ओके, तब हम स्टार्ट करेंगे फिश बनाना। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, एक पेपर प्लेट लेना है। पेपर प्लेट पे हमें एक एज पे हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ सीजर। आपको उसको कट कर देना है। ओके, कट करने के बाद हम उसके ऑपोजिट साइड, जो हमने ट्रायंगल कट किया उसके ऑपोजिट साइड उसका टेल बनाएंगे। ये है उसका टेल, हमें ऑपोजिट साइड उसका टेल स्टिक करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लू। उसका टेल बनाने के लिए हम ग्लू लगाएंगे। अब हमें उसके ऑपोजिट साइड, जो हमने पार्ट कट किया है उसके ऑपोजिट साइड हमें टेल लगा देना है, ऐसे विद द हेल्प ऑफ ग्लू। देखो, ऐसे हमें उसका टेल को स्टिक कर देना है। ठीक है, अब हम उसे करेंगे, उसका आइस बनाएंगे हम। आपको स्केच पेन लेना है और उसका आइस बनाना है, बिग वन आइस, एक सर्कल करके उसका आइस बना देना है। ओके, देखो ऐसे। अब हम उसे डेकोरेट करेंगे। आपको जैसे ठीक लगे आप उसे डेकोरेट कर सकते हो, कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हो, स्टोन यूज कर सकते हो। ओके, हमने, मैं उस पर ड्रॉ कर रही हूँ, हम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे करके ड्रॉ करना है, उसे ड्रॉ कर, कुछ भी करके हमें उसे डेकोरेट कर देना। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप उसे डेकोरेट कर दो। देखो ऐसे, वेरी गुड। अब हम उसका हैंगिंग बनाएंगे, हमें उसे हैंग करना होगा ना, तो हैंगिंग के लिए हमने ये थ्रेड लिया है। आप लेस भी ले सकते हो, थ्रेड ले सकते हो। ओके, तो हमें क्या करना है, थ्रेड को यहाँ पे दोनों एज पे ऊपर अपर की तरफ उसे स्टिक कर देना है विद द हेल्प ऑफ ग्लू। ये ग्लू लगा के हमें उसे हैंग कर देना है ऐसे। ठीक है, ऐसे देखो, ये फिश बन गया, फिश हो गया ना। अब आपको घर पे ऐसे ट्राई करना है और आपको वर्कशीट भी करना है। कैसे करोगे? हम आपको PDF फाइल भेजेंगे, PDF फाइल में से देख के आपको वर्कशीट कंप्लीट करना है। नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय।